गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार। आज हम क्लास 10th का मैथ्स में तीसरे चैप्टर का 3.5 एक्सरसाइज करते हैं, जिसका चौथा क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग जिसमें कहा गया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ₹1,000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो हमने नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। जो हमने ज्ञात करना है वही हम मान लेंगे। माना नियत व्यय बराबर ₹x और मान लेते हैं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मान दिया हमने ₹y। एक दिन भोजन करता है तो उसे ₹y अदा करने पड़ते हैं। अगर यदि 2 दिन भोजन करता है तो 2y, 10 दिन भोजन करता है तो 10y। तो हमने ये ध्यान देना है कि ए 20 दिन भोजन करता है और ₹1,000 अदा करता है। प्रश्न अनुसार लिखें, नियत व्यय तो इसका है ₹x और वो 20 दिन भोजन करता है, तो एक दिन का वाई तो 20 दिन का हो जाएगा 20y बराबर किसके बराबर है, कुल खर्च ₹1,000। ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास एक, क्योंकि ए को 20 दिन भोजन करता है और ₹1,000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो ₹x जो है वो नियत है और 20y, एक दिन का ₹y उसका भोजन का खर्च है, तो 20 दिन का 20y हो जाएगा। इसी प्रकार बी जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, तो उसका नियत व्यय निश्चित व्यय तो ये है ₹x और 26 दिन भोजन करता है तो उसमें 26y जोड़ देंगे और 1180 समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा हमें, क्योंकि ₹x तो निश्चित है उसका महीने में देना है और 26 दिन वो भोजन करता है तो 26y हो जाएगा। एक दिन का ₹y है भोजन का खर्चा, तो 26 दिन का हो जाएगा 26y। दो समीकरण हैं, इसे हम विलोपन विधि से आसान होता है तो विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरणों को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि यहाँ x का गुणांक हमारे पास दोनों का बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। यहाँ भी प्लस का x है, यहाँ भी जमा का x है। घटाने पर नीचे जो समीकरण लिखी हुई है उसका हमने चिन्ह बदलना है। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। एक प्लस का x और एक माइनस का x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x में से x कट गया, 20y प्लस का 26 माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 6y, यहाँ बचेगा माइनस का 180 और y बराबर आ जाएगा माइनस 180 बटा में माइनस का 6
छत्तीस अठारह वाई बराबर आ गया 30। वाई का मान आने पर हम वाई का मान समीकरण नंबर एक या दो में रखेंगे। वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर समीकरण एक लिखें x जमा 20y बराबर 1000। x का मान हमने निकालना है, y का मान हमने निकाला था, y का मान रखना है, y का मान प्रतिस्थापित कर दिया 30, 20 गुणा 30 बराबर होगा 1000। एक्स जमा में 20 गुणा 30 600 बराबर 1000, और 600 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा 600, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 600 में से 400 घट जाएगा, 1000 में से 600 घटेगा तो 400 बच जाएगा। एक्स हमने माना था नियत व्यय, नियत व्यय तो है 400 रुपये, कि उसे 400 रुपये तो रहने का देना है, एक्स माना था 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर हो जाएगा, वो माना था हमने वाई, और y बराबर आया है 30 रुपये, यही आंसर होंगे। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।